Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबको। और फाइनली जो एयरफोर्स को लेके बहुत सारी जो है कंफ्यूजन चल रही थी, बहुत सारी बातें हम कर रहे थे, तो आज छोटी सी खुशखबरी अब हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि ये केवल खुशखबरी नहीं है बल्कि ये आधार है आने वाली बड़ी खुशखबरी को लेकर के। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि 6 सितंबर को एनडीए के एग्जाम होने जा रहा है। कहीं ना कहीं एयरफोर्स बहुत गंभीरता के साथ इस चीज का इंतजार कर रही थी कि फाइनली एयरफोर्स अपने एनडीए अपने एग्जाम को कंडक्ट कर ले, तो एयरफोर्स भी अपनी इनिशिएटिव लेगी अपने एग्जाम्स को लेकर के। बट उससे पहले मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एयरफोर्स ने एक आगाज कर दिया है रैली भर्ती का। ऑब्वियसली आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट रैली इन कर्नाटका एंड ओडिशा फॉर इनटेक 1/2021। और ऑब्वियसली हम जैसा कि जानते हैं कि सारा का सारा जो सिस्टम रुका हुआ है वो 1/2020 वाला ही रुका हुआ है। दैट मीन जो हमारा 1/2020 था, जो कि हम 1/2021 दैट मीन जो जनवरी में हमारी ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो जाता है, वो सारी चीज़ें डन हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें अभी तक रुकी हुई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि उस प्रोसेस में आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले मुझे लगता है रैली भर्ती के रूप में जो निर्णय लिया गया वो कर्नाटका के लिए लिया गया। और आप जैसा कि मोहन जान रहे हैं कि एनडीए के एग्जाम के बाद एयरफोर्स वेल डिफाइंड बैठी हुई कि उसको अपने डेट्स को अनाउंस करना है। और आज कर्नाटका और उड़ीसा में रैली भर्ती को एयरफोर्स एक्स के लिए घोषित करके एयरफोर्स ने डिसाइड कर लिया है कि जल्द ही जैसे 6 सितंबर का एग्जाम हमारा खत्म होता है एयरफोर्स अनाउंस कर देगी ज्वाइंट वेंचर एग्जाम के लिए, जिसमें एयरफोर्स फर्स्ट एंड एयरफोर्स सेकंड को ज्वाइंट करके फाइनली आपके सितंबर के सेकंड वीक तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे और अक्टूबर मंथ में आप इस एग्जाम में भी अपीयर हो जाएंगे। तो बड़ी इट्स अ टाइम टू रेडी, ये समय बिल्कुल तैयार होने का है। एंड बीइंग सौरभ सर, मैं इधर आया हूं आपको एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर कट तरीके से देने का और रैली भर्ती के कॉन्सेप्ट को भी समझाने का, क्योंकि अभी तक मैं लगातार आपको ऑनलाइन पैटर्न एग्जाम पैटर्न को समझाता रहा कि आखिर ऑनलाइन पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है। तो पहले रैली भर्ती को भी ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बट लगली ये कहना होगा कि ये भर्ती केवल कर्नाटक और उड़ीसा के ही बच्चों के लिए है, पर उसके साथ कुछ और भी सर्कमस्टांसेस हैं जिनको आप टेक्निकली समझेंगे। आज मेरा पूरा प्रयास होगा कि रैली डेट क्या है। जब रैली डेट की बात आती है तो सबसे पहले आप समझ लें 23 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर आपका 20 तक शेड्यूल बनाया गया। दैट मीन आप 23 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक इस रैली भर्ती में अपीयर होंगे, जो कि ऑब्वियसली कर्नाटका एंड उड़ीसा में कंडक्ट की जाएगी वहीं के बच्चों के लिए। इसमें टेक्निकली ये समझना है कि केवल ग्रुप एक्स के लिए वैकेंसी जनरेट की गई है। एक इनिशिएटिव भी कहीं ना कहीं एयरफोर्स लेने की कोशिश कर रही है कि आखिर देखते हैं कि इसके परिणाम छोटे प्रारूप में क्या आते हैं। जैसे बच्चों का प्रश्न होगा कि सर क्या कर्नाटका और उड़ीसा के लिए ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बट मुझे लगता है कि एयरफोर्स इस चीज़ को थोड़ा छोटे पैरामीटर पे पहले चेक करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम छोटे लेवल पे इस एग्जाम को कंडक्ट करके पहले देखेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसी के आधार पे वो ऑल इंडिया बेसिस जो हमारे इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम होगा उसको करा पाने के निर्णय में कहीं ना कहीं खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेगी। तो आइए आज मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश करूंगा। अमूमन बार बार डेट ऑफ बर्थ तो मैं बताता ही रहता हूं आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया जो कि 10+2 पास करके आए बच्चे या डिप्लोमा के थ्रू आए हैं, हाइट क्या है, विजन क्या है, पावर क्या है, डोमिसाइल कंडीशन। कभी भी जब रैली भर्ती की बात होती है तो डोमिसाइल कंडीशन एक बड़ा प्रोस्पेक्ट हो जाता है जिसको समझना होता है। और रैली भर्ती में जाते समय द आइटम यू नीड टू कैरी विथ योरसेल्फ, आप किन चीजों को खुद के साथ लेके जाएं, ये भी बात उतना ही समझना जरूरी है। इस सेशन में कंप्लीट करूंगा। वेन्यू मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर कर्नाटक के अंदर कौन सा वेन्यू है आपका, उड़ीसा में आपका क्या वेन्यू है। एग्जाम शेड्यूल जैसे आप समझ ही चुके हैं कि 23 सितंबर से लेकर के आपके 4 अक्टूबर तक का पूरा शेड्यूल रहेगा। ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, रिटन का स्टैंडर्ड, पूरा पूरा रिटन एग्जाम, टेस्टिंग का पैटर्न, एडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1, टेस्ट 2, मेडिकल, और फाइनली मैं आपको पीएसएल तक ले जाऊंगा और आपके सपने को पूरा करने में, एक बड़े प्रोसेस को समझाने में मैं आपको पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले समझते हैं इनकी रैली डेट्स को। तो मैंने क्लियर कर दिया 23 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर। मुझे लगता है कि एक डमी वर्जन है, एक छोटा वर्जन है जो एयरफोर्स ट्राई कर रहा है, और आप भी तैयार हो जाएं कि 4 अक्टूबर के बाद बिल्कुल शेड्यूल डेट आपको मिलेगी एयरफोर्स फर्स्ट एंड सेकंड के ज्वाइंट एफर्ट को लेकर के। तो बिल्कुल आप सब रेडी रहें तेजी के साथ उस प्रोसेस में बढ़ने के लिए। डेट ऑफ बर्थ जैसा कि आप जानते हैं 16-20 आपका आइडियल माना जाएगा जो 2020 के आधार पे है, बट वही जब 2021 में आप इंटर कर जाएंगे तो 17-21 ईयर का एज क्राइटेरिया होगा। मोटा मोटा अगर एज समझना है तो आप समझ लें कि 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 पर्टिकुलर इन डेट पे आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। डेट एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं मैं आपको, 17 जनवरी 2000 से
30 दिसंबर 2003 का शेड्यूल है जो डेट का है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली आपका 12th जो है पास होना जरूरी है, मैथ फिजिक्स से आप 12th किए हों, 50% एग्रीगेट मार्क्स का भी होना जरूरी है। एग्रीगेट वर्ड को फिर से ख्याल करिएगा आप लोग कि आपका सारे सब्जेक्ट का मिला के परसेंटेज 50% होना चाहिए। हाँ, बट एक चीज की कंपल्सन है कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% होना जरूरी है। वहीं जब मैं डिप्लोमा होल्डर्स बच्चों की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जिसमें आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, किसी में भी आपने अपना जो है डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग का कंप्लीट कर रखा है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बट साथ में आपका वहां पे भी इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% होना जरूरी है। अगर आपका डिप्लोमा के दौरान इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा है तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड पर भी आपका इंग्लिश में 50% रहा हो, 50 मार्क्स रहे हों, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बच्चों का पहले ही प्रश्न होता है कि सर हाइट, तो 152.5 सेंटीमीटर जो कि आइडियल हाइट, और लगातार जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये डिटेल आपके सामने दिख रही, तो ध्यान से आप देखते जाइए सारी चीजों को। विजन की बात करें तो 6/12 विदाउट ग्लासेस, जिसमें हम कह सकते हैं ओ 6/6 हो जाना चाहिए आपका विद ग्लासेस। पावर की बात करें +2.02 -0.5 का क्राइटेरिया है जो ये दिया गया। अब आते हैं अहम इंफॉर्मेशन पे कि आखिर सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्या महत्व है। जब तो डोमिसाइल की कंडीशन को समझते हैं कि पहले तो द स्कूल फ्रॉम वेयर यू कैंडिडेट हैव पास 12th शुड बी विद इन कर्नाटका एंड उड़ीसा। इफ द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मेंशन विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द मार्कशीट द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो जो आपकी स्कूलिंग हुई है वो कर्नाटका एंड उड़ीसा में ही होनी चाहिए। अब जो आपका सर्टिफिकेट है अगर उसमें आपका वेन्यू दैट मीन आपका डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ आपके इंस्टीट्यूशन का नाम डिफाइन है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के तौर पर काम करेगा। बट अगर नहीं डिफाइंड है तो चिंता करने की बात नहीं है, आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां पर सबमिट करेंगे। परमानेंट डोमिसाइल आप कर्नाटका और उड़ीसा हुआ पास 12th फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया शैल प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, बच्चों को प्रश्न होगा कि जो कर्नाटका से नहीं 12th कहीं और से भी पास किए, नहीं मैटर करता है, आपका डोमिसाइल कर्नाटका का होना बहुत जरूरी है। बच्चों एक बड़ा प्रश्न होता है कि सर डोमिसाइल भी कई जगह के बन जाए, तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज के डेट में आधार कार्ड से चीजें लिंक हो चुकी हैं और आधार कार्ड आपका कई देशों का, कई राज्यों का, कई जगह का नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका एक ही जगह का होगा जहां का वह कहीं में आप होंगे। पहले सन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल पोस्टेड इन कर्नाटका उड़ीसा रिस्पेक्टिव देयर डोमिसाइल स्टेटस आर एलिजिबल। ध्यान रखिएगा जितने भी एयरफोर्स में हमारे सर्विंग जो है फौजी भाई हैं जिनके पोस्टिंग इस समय कर्नाटका एंड उड़ीसा में है, उन्हें किसी भी तरह के डोमिसाइल की बाउंड्री नहीं दी जाएगी। दैट मीन अगर उनका डोमिसाइल किसी अन्य राज्य का भी है, अन्य डिस्ट्रिक्ट का भी है किसी अन्य राज्य के, तो कोई दिक्कत का विषय नहीं, वो इस फॉर्म और इस को भरने में एलिजिबल है और इस रैली में भी अपियर होने के लिए एलिजिबल है। पहले ही आप ध्यान रखिएगा रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल हु रिसाइड इन उड़ीसा और कर्नाटका रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डोमिसाइल स्टेटस आर एलिजिबल। ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे मेरे फौजी भाई जो कि रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं जो है कर्नाटका और उड़ीसा में एज ए रेजिडेंट हो चुके हैं, दैट मीन वहां पे वो निवास कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन उनके लिए भी इस तरह का कोई मैंडेशन नहीं होगा, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो ध्यान रखिए कि डोमिसाइल की अपने एक अलग प्रोस्पेक्ट है जिसका आपको ख्याल रखना है। दूसरी सबसे अहम इन्फॉर्मेशन कि आखिर व्हाट थिंग यू नीड टू कैरी ड्यूरिंग द टेस्ट, आपको क्या चीजें कैरी करनी होती है। एडमिट कार्ड सबसे अहम चीज है, HB की पेंसिल होगी आपके साथ, इरेजर होगा, शार्पनर होगा, ग्लू स्टिक होगा, स्टेपलर होगा, ब्लैक ग्लू बॉल पॉइंट पेन, आपको पेन लेके वहां पे जाना है। 7 अनअटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ध्यान रखिएगा 7 अनअटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन लाइट बैकग्राउंड, द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद द कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट, ध्यान रखिएगा ब्लैक स्लेट अपने हाथ में लिए हूं, इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विद हिज नेम एंड डेट ऑफ फोटो, अपना नाम उस पर लिखना है, डेट ऑफ फोटो लिखना है, एंड क्लियरली रिटन द विद व्हाइट चाक एंड कैपिटल लेटर। और ये जो लिखा होना चाहिए वो बहुत स्पष्ट लिखा होना चाहिए, व्हाइट चाक के लेटर से लिखा है आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, जो कि स्लेट लेकर के आप सामने से बिल्कुल वहां पे इस फोटो को क्लिक कराएंगे और ये साथ आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल इन फोर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ 10th पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो आधार है वो 10th का सर्टिफिकेट ही हमारे बर्थ का अधिकार होता है, तो 4 सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जाना है, इसके आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ का क्लैरिटी किया जाएगा। बट फाइनली आपको ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आप 10+2 ऑब्वियसली, या डिप्लोमा 3 ईयर का ऑब्वियसली, वो आधार बनता है आपके परसेंटेज और अन्य प्रोस्पेक्ट को समझ पाने का। पहले ही ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ड्यूली फील्ड सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल SOFP सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ध्यान रखिएगा मैंने उसमें कंडीशन बताया था कि डोमिसाइल आपको 4 तो लेके जाना है, बट जो हमारे एयरफोर्स के बंदे हैं जो वहां पे बस चुके हैं, जिनके बच्चे भी यहां पे होने जा रहे हैं, जो वहां पे पोस्टेड हैं इस समय, उन्हें एक
फॉर्मेट आता है जो कि भर करके लेके जाना होता है और उसके आधार पर उन्हें वहां परमिशन मिल जाती है, उन्हें किसी भी तरह के डोमिसाइल की वहां पर आवश्यकता नहीं होती है। ओरिजिनल फोर्स सेल्फ पैटर्न फोटोकॉपी आप एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर एबीसी सर्टिफिकेट कुछ भी है तो ऑब्वियसली उसका भी फोर कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना होगा। कंसेंट फॉर्म फ्रॉम द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, ध्यान रखिएगा कंसेंट फॉर्म भी आपको वहां पे फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट का लेके जाना होगा जिसमें आपकी जवाबदेही होगी। अब ये तो रहा जो आपको लेके जाना है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बहुत स्पष्ट बताया। कोई क्वेरी आपकी फर्दर भी बनती है इस चीज को लेकर तो प्लीज आप उसको पूछिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट द ऑल इशू व्हाट एवर यू हैव। रैली भर्ती का फॉर्मेट मुझे लगता है आज मैं कर्नाटक उड़ीसा के लिए नहीं समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न लगातार मेरे को आता रहता है रैली भर्ती फॉर्मेट को लेकर के। तो आज जो स्पष्टीकरण मैं आपको दे रहा हूं ये केवल उड़ीसा एंड कर्नाटक लिए ही नहीं बता रहा हूं बल्कि आपके जीवन में कभी भी किसी राज्य से आप बिलोंग करते हो और अगर आपके राज्य में रैली भर्ती आती है तो प्रोसीजर सेम ही होता है। दैट मीन आपको डोमिसाइल की इंपॉर्टेंस को समझना है, आपको अपने चीजों को क्या कैरी करना है इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझना है, इसलिए मैंने बहुत ही जोरदार तरीके से बात को समझाने का आपको प्रयास किया है। वेन्यू इन कर्नाटक, जब कर्नाटका की वेन्यू की हम बात करते हैं कि आखिर कर्नाटका में ये टेस्ट कहाँ पे होंगे, तो आपका मानिकशॉ परेड ग्राउंड, 1 कबन रोड बेंगलुरु पहला लोकेशन, 7 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नंबर 1 कबन रोड बेंगलुरु, मतलब दो दो आपके लोकेशन है वेन्यू है जहाँ पे आपको इन टेस्ट के लिए रैली भर्ती के लिए एयरफोर्स एक्स रैली भर्ती के लिए कर्नाटका में अपीयर होना होगा। वेन्यू इन उड़ीसा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एंगुल उड़ीसा, ध्यान रखिएगा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एंगुल उड़ीसा एक वेन्यू है जो कि उड़ीसा में है जहाँ पे आपको इस टेस्ट के लिए अपीयर होना, और बगल में आपको पैरेलल वो चीजें दिख भी रही होंगी और वेन्यू भी बकायदे लिख के आ रहा होगा, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली प्री रजिस्ट्रेशन फॉर द रैली विल स्टार्ट ऑन 8 सितंबर to 10 सितंबर, 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 10 सितंबर चलेगा, सुबह 11 बजे खुलेगा, शाम को 5 बजे बंद होगा। नाउ व्हाट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तक आपको पता होगा कि रैली भर्ती में किसी भी तरह का प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होता था क्योंकि रैली है तो सभी को जाने का उधर आदेश होता था, ऑन द स्पॉट आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक होते थे और उसके आधार पर जो जो एलिजिबल होते उनको प्रवेश दिया था। बट आज सिस्टम ऑब्वियसली कोरोना के दौरान थोड़ा सा बदला है और एक टेस्टिंग भी एक तरह, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि आपका पहले प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट है जिसको आप करके जाएंगे। द रैली विल स्टार्ट 11 AM, सुबह 11 AM से चीजें शुरू हो जाएंगे 8 सितंबर से और 10 सितंबर तक पूरा प्रोसेस चलेगा। और पहले ही इसको आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाकर www.airmanselection.cdse.in पे जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली अलग अलग डेट है, कर्नाटका में आपको दोनों वेन्यू मैंने बता दिया और ऑब्वियसली जब आप फॉर्म भरेंगे और एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो एडमिट कार्ड पे आपका वेन्यू आपका टाइम हर चीज वेल डिफाइंड होगा, उसके आधार पे आप जाएंगे। बच्चे हमेशा मेरे से पूछते हैं कि सर जब हमें सिलेक्शन मिल जाएगा तो सिलेक्शन का पहला स्टेज तो ये हुआ कि आप सेंटर पे पहुंच गए, तो सबसे पहली चीज जो आप गुजरेंगे वहां पे वो आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे। दैट मीन आपका पीएफटी का पार्ट पहले डन किया जाएगा जिसके अंतर्गत 1.6 किलोमीटर की रेस है, जैसे आपको पता है 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, बट अगर आप इसको बेटर टाइम शेड्यूल में करते हैं तो आपको इसको ग्रेड मिलता है। 10 पुशअप्स हैं, 10 सेटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं, बाकी काउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। रिटन टेस्ट का आधार आप जान रहे हैं, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीएफटी उनको अगले फेज में तो रिटन टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। और ऑब्वियसली आप जान ही रहे हैं कि इस एग्जाम में पेपर पैटर्न सेम टू सेम हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर हैं, आपको मैथ्स देना है फिजिक्स देना है और आपको पहले जो है इंग्लिश देना है। आपको अच्छे से पता है कि टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा क्योंकि एयरफोर्स एक्स के लिए फिर से जोर डाल रहा हूं, तो 70 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा। देयर विल बी 3 सिलेक्शन फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश का सेगमेंट होगा जिसको आपको क्रैक करना होगा। मार्किंग पैटर्न की बात करें तो 1 मार्क है जो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और पहले ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है तो 0.25 के मतलब 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग भी वहां पे अलाउड है। जैसे ही आप रिटन फिजिकल आपने क्रैक किया फिर आप पहले ही जो है वहां पे प्रोसेस करेंगे अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। दैट मीन रैली भर्ती की सबसे खास बात ये होती है कि जब आप जाते हैं तो सारे प्रोसेस को डन करके ही आते हैं। दैट मीन फाइनली आप अपना ग्रीन कार्ड जिसको आप यहां पे दूसरी भाषा में ज्वाइनिंग कार्ड के रूप में ज्वाइनिंग लेटर के रूप में समझ सकते हैं आप एयरफोर्स के लिए लेके आते हैं। तो दैट इज अ वेरी क्रेडिबल सिस्टम और ये सिस्टम बहुत पुराना है, आज से नहीं है, काफी दिन से चला आ रहा है, बट ये है कि थोड़ा सा इस बार टेक्निकली कुछ चीजों को चेंज किया गया है, इसलिए मैं जोरदार तरीके से बता रहा हूं कि आपको इस पे ख्याल करना होगा। अहम क्या आता है, अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जैसा कि आप समझते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है और आपका डीएफटी है डायनेमिक फैक्टर टेस्ट है, जिसमें आपको पता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 45 क्वेश्चंस आपके सामने हो जाते हैं जो कि एसआरटी पे बेस्ड होते हैं, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। डीएफटी की आपको पता है 20 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से ओरिएंटेड होता है, जो आपको पूरी तरह से बेहतर ढंग से तैयार होकर जाना है। वहीं अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की बात करें तो प्रॉपर जीडी में आपको पार्टिसिपेट करना होता है और एक अच्छी लैंग्वेज को वहां रिप्रेजेंट करता है, और फाइनली फिर आप अपने मेडिकल के लिए प्रोसेस कर जाते हैं। ऑब्वियसली क्वालिफाइड अडैप्टेबिलिटी टेस्ट के बाद मेडिकल एग्जाम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि आपको शेड्यूल पता है कि कहीं ना कहीं जनवरी के बैच को जनरेट करना है तो वो मंथ ऑफ अक्टूबर में ही आपके मेडिकल प्रोसीजर को भी डन कर देंगे। जहां आप ऑब्वियसली कर्नाटका की बात करें तो एसएमसी एयरफोर्स स्टेशन यहल्लाका फॉर द कर्नाटका
एंड 4AF हॉस्पिटल कालीकुंडा WB आपका वेस्ट बंगाल फॉर द ओडिशा रैली, जो भी हैं दो सेंटर्स आपके डेवलप किए गए हैं। ऑब्वियसली प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट की बात करें हम लोग तो 31 अक्टूबर तक ये 2020 तक जनरेट हो जाएगी। 7 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नंबर 1 कबन रोड बेंगलुरु, ये ऑब्वियसली आपका बेंगलुरु में डिस्प्ले किया जाएगा। और 9 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नियर राजधानी कॉलेज बारामूडा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में दूसरा डिस्प्ले किया जाएगा। बट इन सबसे हट करके ऑब्वियसली आपको एयरमैन सिलेक्शन की वेबसाइट पर भी जाकर के स्पेशल सीट को अपलोड कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट द इंटरेस्टिंग थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल कर्नाटका एंड ऑल ओडिशा कैंडिडेट, आई जस्ट वॉन्ट टेल यू वन थिंग बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि बहुत दिन से एक निराशा लगी हुई थी जो कि आज के तौर पे आई है एयरफोर्स के अंदर, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मौलिक तौर पे इस पे बढ़िया से तैयार हों, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओके करें, सारे क्राइटेरियाज अपने ओके करें और एग्जाम के लिए बिल्कुल भिड़ जाएं। बींग अ मेजर कलसी मैं बार बार अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आकर के बींग सौरभ सिंह ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि समय बुरा है, दौर बुरा है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन यार अच्छी मेहनत करके, लगन से, बेहतर प्रयास करके ही तो अच्छा हुआ जा सकता है। और ये समय वाकई में एक बेहतर फोकस देने का है, ये समय रोने का नहीं है, ये समय लगने का है, ये समय प्रूव करने का। और एक बात गारंटीड कर दूँ कि सारे एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम शेड्यूल होंगे, ये फौज का पैटर्न है यार, वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। NDA जैसे एग्जाम में जैसे ही अपने आप प्रूव करने में कामयाब हुए, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आप बिल्कुल एयरफोर्स एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% तैयार हो जाएं कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड ज्वाइंट अप्रोच मिलने जा रहा है और आप इस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो यार ये टाइम तैयारी का है, फटाफट MKC लर्निंग ऐप से जुड़ो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो और फटाफट पर डे अपनी मैथ की क्लास करो लाइव, अपनी फिजिक्स की क्लास करो, अपनी GK की क्लास करो, आप अपना पूरा रागा की क्लास करो, हर सेगमेंट को प्रॉपर ढंग से कंप्लीट करो, क्योंकि यार एग्जाम एक बार मिलेगा यार। अगर हम बिना तैयारी के गए तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे हमने अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में बात की, आपका GD SRT के अलावा DFT टेस्ट आ रहा है, बच्चों को नहीं पता है, बच्चे वहां जाएंगे और फेल होने का कारण बनेगा। बट मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आप GD SRT और DFT में भी अच्छा बेहतर कर पाएंगे। दैट मीन ग्रुप डिस्कशन पार्ट भी आपका अच्छा करेंगे हम, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पार्ट भी अच्छा करेंगे और डायनेमिक फैक्टर टेस्ट जो वहां पर कंडक्ट हो रहा है उसको भी हम बेहतरीन कर देंगे। और हमारा वादा है कि आपकी सफलता को सुनिश्चित कर देंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कर्नाटका और उड़ीसा के बच्चों को जिनके सामने लक्ष्य है, आप बढ़िया से जाएं, अच्छे से जाएं, मैं आपके साथ हूं, पूरा MKC परिवार आपके साथ है और पूरा देश आपके साथ है। तो बिल्कुल लगी और जज्बे के साथ इसको तय करने का कोशिश करिए। और पैरेलली जो बच्चे हमारे एयरफोर्स के हैं जो इतने लंबे इंतजार से बैठे हैं मार्च के एग्जाम से लेकर के ऑब्वियसली अपकमिंग सेप्टेम्बर एग्जाम जो दोबारा एग्जाम उनको देना था, वो भी बिल्कुल अब कमर कस लें, बिकॉज ये समय फाइनल टाइम पे चल रहा है, फाइनल टच पे चल रहा है यार। तो फटाफट जबरदस्त पढ़ाई में जुट जाओ, खुद से पढ़ो, खुद नहीं समझ में आता तो टाइम वेस्ट मत करो यार, MKC के लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, क्योंकि आपको घर बैठे हम उसी क्लासरूम फीलिंग को ऑनलाइन क्लासरूम में बदल के आपको देंगे और फाइनली इतना कॉन्फिडेंट कर देंगे यार कि एनुअल एग्जाम में आप कमाल कर जाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।